इस निज के प्रायोजक है ताज नर्सरी एंड वॉल। ताज नर्सरी एंड वॉल लेकर आया है रेडीमेड कंपाउंड वॉल, जो आपके खर्चे को करती है आधा रॉ मटेरियल और फ्री इंस्टॉलेशन के साथ। हमारे यहाँ विभिन्न प्रकार के फूल फल व शो प्लांट के साथ साथ फार्म हाउस व गार्डन डेवलप किए जाते हैं। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें ताज नर्सरी गार्डन एंड रेडीमेड वॉल। हमारा पता है शुभारंभ लॉन के बाजू में, कुंदिया रोड, बालाघाट। बीते दिनों चौपाटी के बाजू में लगने वाली कांजी हाउस के शासकीय भूमि को जिला प्रशासन के द्वारा पुनर्घनत्वीकरण योजना के तहत जमीन को राइसन एंड कंपनी को बेच दिया। तो वहीं न्यायालय के सामने वाले कुछ जमीन के हिस्से पर इकबाल बेग नामक शहर के ही एक मैकेनिक के द्वारा अपनी दुकान यहां लगाई जा रही थी, जिसको लेकर उन्होंने दुकान न हटाते हुए न्यायालय की शरण भी ली थी, जिसके बाद न्यायालय के द्वारा उनके अपील को खारिज कर दिया गया। और अपील खारिज होने के बाद आज नगर पालिका और जिला प्रशासन की टीम उनकी दुकान को वहां से हटाते हुए जेसीबी के माध्यम से दुकान को तोड़ दिया गया है। आपको बता दें कि शासन ने सीएलपी अंतर्गत पुनर्घनत्वीकरण योजना में शहर के व्यस्ततम काली पुतली चौक स्थित नजुल के प्लाट नंबर 286 को शासकीय निर्माण कार्यों के ठेकेदार राइसिंग एंड कंपनी को बेच दिया, जिसका नामांतरण भी कंपनी के नाम कर दिया गया है। जिसके बाद इस जमीन पर स्थित कांजी हाउस, वर्कशॉप और पुराने पशु अस्पताल को कंपनी ने जमीन दोज कर दिया। लेकिन इस जमीन पर एक वर्कशॉप चल रहा है। इकबाल पिता दिलावर बेग का टीन शेड लगा था, इसमें जमीन खाली करने का नगरपालिका ने नोटिस भी दिया था, लेकिन इकबाल ने न्यायालय में अपील कर टीन शेड हटाने की कार्रवाई में स्टे ला लिया था, जिससे कार्रवाई नहीं हो सकी थी। 8 अक्टूबर को जारी स्टे में कोर्ट ने इकबाल की अपील को खारिज कर दिया, जिसके बाद 9 अक्टूबर को नगरपालिका ने इकबाल को दोपहर 12 बजे तक टीन शेड को हटाने के निर्देश दिए थे, लेकिन इकबाल के टीन शेड नहीं हटाए जाने पर प्रशासनिक और नगरपालिका अमले ने 2 बजे तक उसका इंतजार किया। जब टीन शेड को हटाने के लिए इकबाल नहीं पहुंचा तो नियम के अनुसार पंचनामा बनाकर प्रशासन ने नगरपालिका की जेसीबी से टीन शेड को हटाकर जमीन को अतिक्रमण मुक्त करते हुए कंपनी को हैंडओवर कर दिया। इस दौरान महायशम गोपाल सोनी, तहसीलदार भूपेंद्र अहिरवार, नगरपालिका प्रभारी सीएमओ कमलेश बिजवार, थाना प्रभारी प्रकाश वास्कले सहित प्रशासन, पुलिस और नगरपालिका का अमला भी मौजूद था। ये नजुल बालाघाट की जमीन है और नंबर 286 है, और ये सीएलपी के अंतर्गत पुनर्घनत्वीकरण योजना में राय सिंह एंड कंपनी को शासन के द्वारा विक्रय की गई है और उसका नामांतरण भी हो गया है। यहाँ पर इकबाल बेग पिता दिलावर बेग का 330 स्क्वायर फीट में एक लोहा गैल्वेनाइज जो टीन शेड होता है उसका अतिक्रमण था। यहाँ पर लगभग 8 या 10 दिन पहले नगर पालिका के द्वारा दुर्गत प्रक्रिया का पालन करते हुए उनको नोटिस जारी किया गया था और हटाने की कार्रवाई की गई थी, लेकिन उनके द्वारा माननीय न्यायालय में इस संबंध में अपना आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया, अपील प्रस्तुत की गई, तो माननीय न्यायालय के द्वारा उसमें स्टे जारी कर दिया गया था। कल 8 अक्टूबर को माननीय न्यायालय के द्वारा उनकी अपील निरस्त कर दी गई और ऐसी सब कार्रवाई जो हुई है उसके पश्चात नगर पालिका के द्वारा अंतिम नोटिस देते हुए आज अतिक्रम हटाया जाएगा।